हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। कल AKTU में विद्या परिषद की बैठक हुई। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो AKTU में कई प्रस्ताव को लेकर के जो है वो बदलाव होने वाले हैं, और उसके लिए 7 जून को एक विद्या परिषद की बैठक होने वाली है। तो उस बैठक हो चुकी है और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं होंगे, और उस बदलाव सारे बदलाव जो हैं वो स्टूडेंट के हित में है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय विद्या परिषद की बैठक में बनी सहमति। अभी सिर्फ बीफार्मा MBA MTech में शोध की होती थी पढ़ाई, तो कई बदलाव हैं जिसमें अपने आपके ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के, आपके ग्रेस मार्क को लेकर के काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये जो आर्टिकल इसको मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है AKTU के जो लखनऊ में है, लखनऊ परिसर में BTech और BBA कोर्स की पढ़ाई कराएगा। ये कोर्स अभी सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ कैश में होंगे। अभी यहाँ सिर्फ बीफार्मा MBA MTech पे शोध की पढ़ाई होती। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, छात्र हित में ग्रेस मार्क और डिटेंशन का संशोधित ऑर्डिनेंस लाने पर भी विचार किया गया। मतलब जो आपको ग्रेस मार्क दिए जाते हैं, जो डिटेंशन है, उसमें कहीं ना कोई कोई चेंजेस होने वाले, और ये चेंजेस जो हैं वो आपके हित में होंगे। उसके बाद यह निर्णय शुक्रवार को प्रोफेसर JP पांडे की अध्यक्षता में हुई विद्या परिषद की बैठक में हुआ। उन्होंने बताया कि कैश में BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस AI एंड मशीन लर्निंग के इलेक्ट्रॉनिक BLSE डिज़ाइन में प्रवेश लिए जाएंगे। तो अगर आप सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ में, मैं आपको बता दूं कि MTech के लिए भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर 66 सीटों पर कई नए कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाले। तो अगर आप लखनऊ के हैं या बाहर के हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर को मेन आप लोगों के काम की बात है, उस पर मैं आ रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, कुलपति ने बताया कि BTech छात्रों को फार्मेसी व आर्किटेक्चर में माइनस कोर्स की सहमति दी गई। इस कोर्स में 20 क्रेडिट के ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पर जो माइनर कोर्स है वो BTech और बीफार्मा के स्टूडेंट कर सकते हैं, 20 क्रेडिट मिलेंगे, वो भी ऑनलाइन। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। कैरियर एडवांस स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जो मेन आपके काम की बात है वो मैं आपको बता दूँ, विद्या परिषद के छात्रों को और अधिक स्किल्ड बनाने के लिए माइनर कोर्स का पूल तैयार करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई। लास्ट का ये देखिएगा, ऑनलाइन MCQ आधारित बैक पेपर परीक्षा शुरू करने को भी परिषद ने सहमति दे दी है। मतलब अब जो आपके एग्जामिनेशन होंगे, ये जो आपके 8 जून से फेज़ 1 के एग्जामिनेशन है ऑफलाइन, उसके बाद फेज़ 2 के एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद MCQ बेस्ड कैरी पेपर होंगे, अब ये कंफर्म हो गया है, और ये ऑनलाइन बेस ही होगा। यहाँ पर मैं पहले बता दूँ कि सबसे पहले ये फाइनल ईयर वालों के लिए ही कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद अगर ये सक्सेस हुआ तो हर ईयर के कैरी ओवर पेपर ऑनलाइन कराए जाएंगे, जैसा AKTU ने पहले भी बोला है। तो जो भी विद्या परिषद की बैठक हुई है उसमें जो मेन काम की बात है वो पहली ये है कि आपके ग्रेस मार्क का संशोधन किया जा रहा है, दूसरा 4 नए कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं, तीसरा आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन ऑनलाइन होंगे, ये अब कंफर्म हो चुका है। अभी इसका सर्कुलर नहीं आएगा। स्टूडेंट जैसे कई बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं सर्कुलर, अभी इसका सर्कुलर नहीं आएगा। अभी फेज़ 1 की परीक्षा हो जाने दीजिए, फेज़ 2 की परीक्षा होने दीजिए, उसके बाद ही इसका सर्कुलर आएगा। ये हो सकता है फेज़ 1 की परीक्षाओं के बाद एक सर्कुलर आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाए। अभी ये सारी चीज़ें जो इंस्टीट्यूट को जाएंगी और इंस्टीट्यूट से जो है सलाह मशवरा किया जाएगा, और उसके बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो फाइनली आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का इंतजार था उसमें ये बात कंफर्म हो चुकी है कि MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। तो AKTU विद्यार्थियों के लिए ये लेटेस्ट अपडेट थी। ये पूरा आर्टिकल मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।